सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार देखो, ये वाली वीडियो मेरे चैनल की 2021 की पहली वीडियो है। एंड आज मैं बात करूंगा यार, देखो कुछ जरूरी बातों के बारे में। नंबर वन यार, वो है मेरे चैनल के फ्यूचर कंटेंट के बारे में कि आपके लिए किस तरीके की वीडियोस आने वाली है इस साल में और आगे, तो ये बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो यार, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए डिस्कस करूंगा आज मैं। तो बात करते चले यार मेरे चैनल के फ्यूचर कंटेंट के बारे में। देखो यार, यहाँ पे नंबर वन में बात करूंगा यार उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अभी एडमिशन अपना ले लिया है। आप सब जानते होंगे कल, दैट इज 31 दिसंबर 2020 को DU के जो एडमिशन है वो क्लोज हो चुके हैं। एंड जिन्होंने यार अभी तक अपना एडमिशन ले लिया है DU में, जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, सो उन सभी के लिए यार बहुत ही तगड़ा आने वाला है कि कैसे आपको अपने ये 3 साल यूटिलाइज करने हैं जिससे आप सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइज कर सको इन 3 साल को। क्या क्या कोर्स कर सकते हो एंड क्या क्या स्किल्स आप सीख सकते हो, कैसे आप मतलब कुछ भी करके अपनी इन 3 साल को वन ऑफ द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ बना सकते हो, वो बताऊंगा आपको। एंड नेक्स्ट आपको बताऊंगा यार कि और भी फ्यूचर में आप आगे, अगर आपने कोई पर्टिकुलर कोर्स करा है तो उसके बाद आप उनमें आगे क्या कर सकते हो, वो बताऊंगा। एंड सेकेंड में बताऊंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने या तो जो अभी क्लास 12th में है एंड वो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जी अभी एग्जाम के बाद वो अपने एंट्रेंस एग्जाम को देंगे या फिर एडमिशन लेंगे कॉलेजेस में, एंड या फिर वो जिन्होंने जो है अपना ईयर ड्रॉप किया है फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स और फॉर फर्दर एडमिशन इन डिफरेंट कॉलेजेस। ओके, तो उनके बारे में बात करूंगा एंड बताऊंगा आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स है जो आप दे सकते हो, उनके पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया था, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट एनी कोचिंग, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या सोर्सेज हैं, सब बताऊंगा आपको जिससे आप बहुत ही इजीली इन एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लोगे, चाहे आप क्लास 12th में अभी हो या फिर जो है आप अभी आपने ड्रॉप लिया है। और सब चीज बताऊंगा कि क्लास 12th में तो आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, या फिर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको क्या करना है। तो सब चीजें यार, बहुत सारी सीरीज आपके लिए प्लान करी हुई है कि क्या क्या सीरीज आने वाली है बहुत यहाँ पे। एंड ऑल्सो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है आप सभी के लिए। एंड यार बस होप करो कि वो प्रोजेक्ट जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग होए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो यार बहुत चीजें आने वाली चैनल पे। और अगर अभी तक, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ ऐसे बात कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अभी कर लो, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो बहुत चीजें आप मिस कर जाओगे, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट आपके आने वाला है, बहुत सारी सीरीज आने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आपके लिए आने वाले हैं इसी चैनल पे। तो जस्ट अभी जुड़ जाओ, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU JET 2021 विद क्लास 12th एग्जाम्स। देखो यार, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है इस टाइम पे कि भैया अभी हम क्लास 12th में हैं एंड हम चाहते हैं आगे DU JET एग्जाम देना, तो हम कैसे प्रिपेयर करें अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन के साथ में। बिकॉज आप सब जानते हो कि ऑलरेडी इस बार जो है क्लास 12th एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मई, तो आपके मई में एग्जाम होंगे, तो आपके पास मोर देन सफिशियंट टाइम आपको मिल गया है। तो काफी लोग कह रहे हैं कि भैया अब इस टाइम को हम वेस्ट करने चाहते हैं, हम चाहते हैं कि साथ में हम इसकी प्रिपरेशन भी कर दें जिससे एक हमारे को एज मिल जाए आगे और स्टूडेंट्स के बीच में, एंड हम इजीली जो है क्रैक कर लें इस एग्जाम को, ठीक है ना। तो यार इसी के बारे में बात करेंगे, क्या आपको इतनी अर्ली स्टेज में प्रिपेयर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर करना चाहिए तो क्या आप या फिर कैसे आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम इन्हीं के बारे में आगे बात करते हैं। एंड यार चिंता की बात कम करो, अगर आपने आप वो स्टूडेंट हो जिन्होंने ड्रॉप लिया है 2021 के लिए DU JET के लिए, तो यार आपके लिए भी वीडियोस आने वाली हैं, सारी सीरीज आपके लिए आएंगी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या-क्या चीजें करनी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें अभी आगे आने वाली हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इस टॉपिक के बारे में। सो यार अब बात करते हैं फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन, तो मतलब अभी के लिए आपको कहाँ फोकस करना है एंड वो करना है आपको अपनी क्लास 12th की एग्जाम्स के लिए। यार ये चीज सच में बहुत जरूरी चीज है, ये चीज ध्यान से समझो, बिकॉज यार आप ये नहीं जानते कि यार, मैं जानते होंगे बट यार फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको यार वैल्यू इस टाइम पे अपने क्लास 12th के एग्जाम्स को ज्यादा देनी है। क्यों देनी है एंड बताऊंगा अभी, देखो वीडियो को ये चीज सुन के मत स्किप करो, अभी बताऊंगा आगे कि आपको क्लास 12th के साथ में कैसे करना है, ठीक है ना। तो आपको ये करना, देखो अभी तो आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो आपको होना चाहिए आपके क्लास 12th के एग्जाम्स के ऊपर, बिकॉज यार देखो आपके क्लास 12th के रिजल्ट ही कह सकते हैं हम कि मेक और ब्रेक होता है। अगर आपका बहुत अच्छा चला गया तो यार बहुत चीजें आपके लिए, बहुत गेट्स ओपन हो जाएंगे, एंड अगर यार कुछ कम रह गया, आपसे कोई कमी रह गई इन एग्जाम के प्रिपरेशन के चक्कर में, तो यार आपके लिए काफी एक डिस्टर्बिंग चीज हो जाएगी आगे के लिए, बिकॉज यार आपका मोर और लेस आपका फाउंडेशन
फंक्शनल और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका क्लास 12th के रिजल्ट पे खड़ा होता है। तो आपको सबसे पहले जो आपका प्राइमरी फोकस है वो आपका होना चाहिए आपके क्लास 12th के एग्जाम के ऊपर, ठीक है ना। अब बात करते हैं यार आप उसके साथ साथ में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे यार आपको एक उस टाइम पे एकदम प्रेशर ना पड़े और बहुत इजीली आप जो है धीरे धीरे उसको कवर करते रहो। क्या करना चाहिए? नंबर वन वो है डेली न्यूज़पेपर रीडिंग द हिंदू, ठीक है ना। अब देखो मेन चीज यहां पर ये है कि अभी मैं कहूंगा आप अभी प्रिपरेशन कर ही रहे हो एंड आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल भी गया है, तो साथ में देखो अब जो है आपका अगर न्यूज़पेपर लगा हुआ है द हिंदू का या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, आई विल सजेस्ट द हिंदू, तो अगर वो लगा हुआ है तो वेल एंड गुड, उसको रोज आपको रीडिंग करवानी, नहीं लगा हुआ तो लगवा लो वो, बिकॉज आपको सुबह उठ के सबसे पहले यही चीज करनी है। नोट्स बनाना ना बनाना ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बस आपको क्या करना है आपको पढ़ना तो जरूर है नोट्स, बिकॉज यार थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो अभी आप मे बी इस अर्ली स्टेज पे वो नोट्स ना बना पाओ, बट स्टिल यार अगर आपसे हो सके तो रोज जो है अपना न्यूज़पेपर आप पढ़ो, ठीक है ना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। अब देखो इससे आपके दो काम हो जाएंगे, नंबर वन एक जो है आपका करंट अफेयर्स आप बहुत अपडेटेड हो जाओगे, बिकॉज आप सब जानते हो एग्जाम पहले 6-7 महीने के जो है करंट अफेयर्स आते हैं, तो जनवरी से आप स्टार्ट हो जाओ अपने प्रिपरेशन करना न्यूज़पेपर रीडिंग से, ठीक है ना। एंड दूसरी चीज है वो है आपकी इंग्लिश। देखो यार अगर आप द हिंदू पढ़ोगे उसमें जो एडिटोरियल आते हैं वो पढ़ोगे तो उससे जो आपकी ऑटोमेटिकली वोकैबुलरी बिल्ट अप होना चालू हो जाएगी एंड साथ में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हो गई एंड साथ में जो कॉम्प्रीहेंशन की स्किल्स हो गई वो ऑटोमेटिकली आपकी वो डेवलप हो जाएंगी। तो यार ये एक कह सकते हैं विन विन सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए, तो इसलिए यार इस टाइम पे कहूंगा सबसे पहले तो जो है आपको ये मस्ट है, ये नेसेसरी है कि आपको रोज एक हैबिट बिल्ट करनी है कि रोज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए न्यूज़पेपर आपको रोज रेगुलरली पढ़ना है एंड उससे जो है मैंने बता दी कि क्या क्या फायदे आपके हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट चीज है वो है आपकी मैथ्स पोर्शन। देखो यार अगर आपको पता होगा, वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आपको पता भी नहीं कि इस पेपर का जो है मेन क्या बिल्ट होता है, क्या पैटर्न होता है एंड क्या होता है सिलेबस होता है, उसके लिए वीडियो मैं अभी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा जिससे आपको बताऊंगा कि किसकी वेटेज ज्यादा होती है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, बिकॉज अभी यार आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली अभी जो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ उनको आप कवर करो एंड वो आपका सेकेंड है मैथ्स पोर्शन। अब वो मैथ्स पोर्शन कौन सा? आपकी हायर मैथ्स। हायर मैथ्स होती है आपकी क्लास 11th एंड क्लास 12th की मैथ्स, बट फॉर नाउ मैं आपको बोलूंगा कि आप क्लास 12th में हो, आपका मैथ्स का पेपर भी होगा, तो मैथ्स के पेपर के लिए आप जान लगा के मेहनत लगा दो, बिकॉज मैथ्स एक तो बहुत एक कह सकते हैं कि यार देखो सब लोग कहते हैं कि यार उसमें अच्छे नहीं आते, लेकिन मैं पर्सनली मैंने खुद इसके अंदर 95 स्कोर किया था एंड ये मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द मोस्ट स्कोर गिविंग सब्जेक्ट, कि आपके सबसे अच्छा स्कोर इसमें बन सकता है, तो यार मैथ्स में अपनी मेहनत करो, बिकॉज ये मैथ्स आपके क्लास 12th के रिजल्ट को भी लिफ्ट अप कर सकती है एंड साथ ही में आपकी DU JET की प्रिपरेशन में भी यही काम आएगा एंड सबसे ज्यादा वेटेज यार इसी की होती है हायर मैथ्स की। तो अभी आप जो अपनी क्लास 12th की मैथ्स बहुत अच्छे से फोकस करो एंड जब ये हो जाएगा उसके बाद में बताऊंगा आपको और क्या क्या करना है, या कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड आएगी कि क्या क्या आपको करना है, कौन से हफ्ते में क्या करना है, सीरीज भी आएंगी बहुत सारी चीजों की, तो हर चीज आएगी यार, इसलिए अभी जस्ट ये दो चीजें आप करो एंड थर्ड, एंड यार ये थर्ड बताने वाला हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एंड वो है यहां पे सब्सक्राइब माय चैनल। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो यार आपके लिए मैंने काफी चीजें प्लान करी हुई है, अगर आपको पता होगा मैंने 2020 में भी काफी सीरीज स्टार्ट करी थी एंड काफी वो लोगों को हेल्पफुल रही, उसमें उन्होंने काफी अपना जो है बहुत ही कम टाइम में अपना सिलेबस कवर कर लिया था उससे एंड काफी मेरे पास एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया था आप सभी की तरफ से, तो इसलिए यार अभी भी मैंने आपके लिए और भी सारी सीरीज प्लान करी हुई है एंड उस टाइम पे थोड़ा यार लेट स्टार्ट किया था मैंने, बट इस बार जल्दी स्टार्ट करूंगा, तो आपके लिए काफी सीरीज आने वाली है, काफी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं एंड यार एक और चीज मैंने सोच रखी, लेकिन जब वो कंप्लीट होगी तब मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी आने वाली है, तो यार बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो एंड यार अब आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली है, फिर दोबारा बोल रहा हूं मैं, बहुत रिपीट कर दिया मैंने ये, बट हाँ प्रॉपर गाइडेंस वाली भी आने वाली है कि कैसे आपको कौन से मंथ में, कौन से वीक में, कौन से डे में आपको क्या करना है, उसके लिए भी मैं प्लानिंग कर रहा हूं, तो वो भी आने वाला है, तो जस्ट ये चीज, ये तीन चीजें बस आप अभी के लिए कर लो अपने एग्जाम से पहले एंड बहुत है, ये चीजें करना बहुत है और उसके बाद एग्जाम के बाद तो आप फुली अपना माइंड डिवोट कर देना अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। सर अभी बस ये आपको तीन चीजें करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इसके अलावा जस्ट आपको अपनी अभी क्लास 12th की प्रिपरेशन करनी है, पूरा फोकस लगा दो अपने एग्जाम्स के ऊपर, बिकॉज अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ गया तो यार आपके लिए बहुत सारे गेट्स हैं जो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे विदाउट एनी एफर्ट्स। ओके बस ये चीज आप करो एंड यार अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है ड्रॉपर्स के लिए, जिन्होंने अपना ईयर ड्रॉप किया है, तो यार आपके लिए भी बहुत कंटेंट आने
आने वाला है, आपके लिए भी प्लान आने वाला है कि आपको कैसे अपने ड्रॉप ईयर को एक कह सकते हैं रिवॉर्ड गिविंग ईयर बना सकते हो, आपकी कैसे आप इस एक साल को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के साथ भी और भी बहुत चीजों के साथ। तो यार उसके लिए भी आप वेट करो, बहुत चीजें आने वाली है यार। ये आज तो एक खाली ट्रेलर था आपके लिए, बाकी चीजें आना बहुत स्टार्ट होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो बस इन तीन चीजों पर आप फोकस करो एंड दैट्स ऑल बिफोर योर क्लास 12th एग्जाम्स। ओके, सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। देखो यार शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ऑल्सो यार वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सक्सेस विद संस्कार को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो यार वो भी कर लो एंड मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।